हे गाइस, कम विद मी शॉपिंग। आज आपको लेके जा रही हूँ, तो मैं, ये मेरा पुराना ब्लॉग ही है। मैंने संडे शूट किया था, तो उसके बाद मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पाई कुछ सम रीज़न। तो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ शॉप पे, तो जहाँ मेरी बेटी खरीद रही थी अपने लिए ड्रेसेस, तो मैं थोड़े थोड़े आपके साथ शेयर कर रही थी। तो देखिए, जहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेसेस थी और काफ़ी क्लीयरेंस वगैरह लग रही थी। देखिए, ये मुझे बहुत पसंद आई ड्रेस, तो बट हाँ, हमारे लिए छोटी थी, मेरी बेटी के लिए तो फिट आ जानी थी, लेकिन मेरे नहीं आने वाली। तो उसके बाद मैं रैंडमली आपको दिखा रही थी, स्टोर काफ़ी बड़ा था और काफ़ी, देखिए हाँ, जहाँ बच्चों के कपड़े, बड़ों के, बॉयज़ गर्ल्स, काफ़ी आपको सेल वगैरह मिल जाती है अच्छी। तो जहाँ रेवन लगी हुई है, उसे चाहिए थे शूज़, मेरे बेटे ने पहले ले लिए थे, अब वो भी बोल रही थी मैंने भी लेने हैं, तो उसने भी जहाँ से लिए उसे जो पसंद आए। तो मैं ऐसे कैमरा इधर उधर घुमा रही थी गाइस, तो देखिए काफ़ी रंग बिरंगे कपड़े आपको दिखाई देंगे और क्लॉथिंग क्लॉथ क्लॉथ देखिए, लेडीज़ को तो यही होता है कि सब देख लो, काफ़ी कलर अट्रैक्ट करते हैं, लेना चाहे एक हो चाहे ना हो, लेकिन देखना पूरा स्टोर है। तो लिखना कमेंट सेक्शन में, सब ऐसे करती हो कि नहीं करते हो। तो बस वही आपको यहाँ दिखा रही हूँ, और जो लिया था वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो यहाँ ये सैंडल वगैरह जो विंटर के हैं, समर की सेल लगा दी है, सब क्लियरेंस पे थे, बहुत ही बढ़िया और सुंदर लग रहे थे मुझे। तो मेरे पास हैं ऐसे, मैंने कोई नहीं लिया सच पूछो तो, बट मन कर रहा था कि ले लो सब ले लो, बट नहीं, अब क्या करें, पहनने को तो कहीं होता नहीं इतना। तो देखिए, ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे और बहुत ही कॉम्फी कॉम्फी हैं, पहनने को बहुत ही ज़्यादा आराम देते हैं आपके पैरों को। तो यहाँ सो गाइस, यहाँ पे सब चे लगे हुए थे, शूज़ और सैंडल जो भी सुंदर सुंदर, देखिए तो काफ़ी समर कलेक्शन आ जाएगी। और जो अब विंटर की है वो सब देखो क्लीयरेंस पे लगे हुए हैं, और ये जो समर की है वो भी इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी यहाँ पे। तो देखिए कितने अच्छे और बढ़िया बढ़िया हैं, जहाँ पे मेरा बेटा लगा हुआ था तो मैं उसे बोल रही थी वहाँ खड़ जाओ, जैसे खड़े हुए हैं वो बच्चे, बोल रहा मैं नहीं खड़ूंगा, तो मैंने कहा देखो मिडल में खड़ा है, वैसे खड़े हो जाओ। तो फिर हम फर्नीचर का साथ में स्टोर था, वहाँ चले गए, तो वहाँ भी सुंदर सुंदर बेड सोफाज लगे हुए थे गाइस। तो थोड़ा थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो बहुत बड़ा स्टोर था ये भी, तो बहुत ही बढ़िया फर्नीचर आप देख रहे हैं। यहाँ देखिए ये वाला जो बेड है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इंडिया में भी गाइस ऐसा होता है सेम, देखिए इसके साथ जो डाइन ड्रेसिंग। तो यहाँ मेरी बेटी शूज़ पहन के घर पे आ गए थे, देख रही थी तो वहाँ आपको मैं दिखा नहीं पाई, तो ये इसने पहन लिए आकर ब्लैक एंड वाइट, तो काफ़ी खुश थी। और जहाँ मेरा बेटा भी लगा हुआ है, वो भी अपनी पसंद के लेके आया है। पहले मैं उसे ऐसे लाइटों वाले, जहाँ कोई स्पाइडरमैन जो सुपरमैन होते हैं वो लेके देती थी, लेकिन इस बार उसे अपनी पसंद के चाहिए थे। तो मैंने देखा, मैंने कहा मेरा बेटा बड़ा हो गया, वो ऐसे शूज़ नहीं पहनता, अब उसे ये ही चाहिए थे। तो और मैं थोड़ा सा रैंडम भी सामान लेकर आई थी, तो ये फाउंडेशन का रिव्यू आपको जा ही चुका है, पाउडर फाउंडेशन है ये। तो साथ में ये शैम्पू वगैरह मेरे बेटे का था, तो मेरे बेटी ने भी जी एक दो ड्रेसेस लाए, ड्रेस लिए थे वहाँ से, तो वो आपको दिखा रही हूँ गाइस। बहुत ही समरी लुक के थे और कलर बहुत बढ़िया था, वो दूसरा वाला जो देखिए कौन सा कलर है, लाइट ब्लू मेरी। तो गाइस, अभी था संडे का दिन, ऐसे ही निकल गया, तो मैं आपको शेयर किया जो जो लेके आई हूँ, थोड़ा थोड़ा दिखाया, ज़्यादा टाइम तो नहीं था। तो ये मैं लेके आई हूँ एक, जो बहुत ही टिकटॉक में फेमस है, तो जल्दी ही मैं इसका रिव्यू करूँगी, बहुत हैप्पी हूँ। ओनली ये एक ही शेड था, बाकी सब डार्क थे, पता नहीं मेरे से मैच होगा कि नहीं, तो लास्ट फिंगर क्रॉस। तो अभी सवेरे हमने छोले पूरियाँ बनाए थे, बहुत जमी बने थे, तो वो खा लिए थे हमने सुबह सुबह। ऑलमोस्ट अब टाइम चेंज हो गया है, जहाँ पे पूरा 1.5 घंटे का फ़र्क पड़ गया, तो अब जहाँ ऑलमोस्ट 6:30 हो गया, लेकिन इस टाइम पहले 5:30 होते थे। तो अभी मैंने बनानी है आज
दिन में चाहे मैं छुट्टी के दिन तो मेरे होते हैं कि दो सब्जी बन जाए, तो फिर जैसे कल काम से भी आना है तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होगी खाने की कि क्या बनाना है क्या नहीं। तो अभी मैं बना रही हूँ, बनाना चाहती थी चीज़ चिली, लेकिन अब आलू चिली बन जाएगा, शिमला मिर्च थे आलू तो मेरे को रेड और ग्रीन पेपर थे, तो क्योंकि इतने चीज़ हमारे ज़्यादा पनीर किसी का भी फेवरेट नहीं है, तो मैं चाहती थी बनाऊँ लेकिन मेरे हस्बैंड बोले नहीं आलू डालकर बनाऊँ, तो अब मैं वो बनाऊँगी। और मेरे बर्तन मैं दिखाती हूँ कितने पड़े हैं, तो चलो शुरू करती हूँ। आपको मैं बताया कि वाइट चने बनाए थे जो उसके बर्तन है, और मैंने घी बनाया था देसी, तो उसके सब जे बर्तन एक साथ ही हुए पड़े थे, तो मैंने कहा सबसे पहले ये क्लीन करूँगी। और फिर मैंने बनानी है जे चीज चिली, तो शायद चीज चिली तो नहीं पसंद करते, तो अब मैं आपको जैसे बताया आलू ही डालूँगी बनाना, मैं चीज चिली चाहती थी। तो जहाँ पे भी मैं लगी हुई बनाने सब्जी, इसमें आलू ही डालूँगी और बन जाएगी हमारी आलू शिमला मिर्च, अब ये चिली चिली नहीं रहेगी। तो कलरफुल सब्जी जो दोनों ही सेहत के लिए अच्छी होती है गाइस, रेड वन भी और ग्रीन वन भी, तो इसलिए कभी कभी मैं बना लेती हूँ। तो अभी इसके बाद मैंने डिनर वगैरह बनाना है, रोटी हो गई, जो हमारा शाम का काम है वो शुरू हो जाएगा सब्जी के बाद। सब्जी बनी हो तो गाइस आपको पता ही है इतनी ज़्यादा फिर टेंशन नहीं होती, सिर्फ रोटी बनानी होती है चपाती, तो फिर ही हमारा सॉर्ट आउट हो जाता है। तो गाइज यहाँ पे मैंने वॉश किए थे अपने हेयर, टॉवल ड्राई आपको दिखा रही हूँ मैं, ज़रूर ज़्यादा जो मेरा रूटीन है वो टॉवल ड्राई ही करती हूँ मैं, तो बहुत कम मैं अपना वो जो मेरे पास बहुत सारे ड्रायर हैं वो भी यूज़ करती हूँ कभी कभी, लेकिन बहुत कम, मोस्टली मैं ज़्यादा रशिंग में होती हूँ सुबह सुबह, तो मैं ऐसे ही बालों को सब अच्छे से निचोड़ के सुखा लेती हूँ और साफ़ कर देती हूँ, सारा वाटर जो निकल जाता है टॉवल में ऑब्जर्व हो जाता है, तो उसके बाद मैं उसको थोड़ी बार ड्रैपिंग करके मैं नीचे अपने धूप में सुखा लेती हूँ, तो एयर ड्राई हो जाते हैं हेयर, तो हमारे नेचुरली हेयर है जो हेयर ड्राई से नहीं, नेचुरली धूप में मैं अब से बना लूँगी ड्रेपिंग, तो कान वगैरह अच्छे से क्लीन कर लें ताकि जो पानी वानी पड़ा हो। तो बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।